कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने 22 मार्च को अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन का कर जनता कर्फ्यू रखा, उसका पालन प्रदेश के जनता देश के जनता ने बखूबी निभाया है। उन्होंने यह भी कहा कि एक दिन का जनता कर्फ्यू से कोरोना जैसे खतरनाक बीमारी से हम जीत नहीं सकते, इसलिए सतर्कता ही हमारे लिए बचाव है। झारखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने अपने पूरे परिवार के साथ जनमन गन भी गाया। खबर 365 न्यूज के लिए रांची से विकास की रिपोर्ट। संक्रमण को लेकर बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जनता कर्फ्यू का जो संदेश था, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरी तरह से सजगता के साथ इसका पालन किया। हम सभी लोग अपने घरों में क्वारंटाइन में रहे, पूरे प्रदेश में जो है इसका व्यापक असर देखने को मिला और सब लोग हम लोग घर पर रहे, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ मात्र एक दिन के सतर्कता और जागरूकता से इस अभियान का और इस संक्रमण का, इस महामारी का मुकाबला खत्म नहीं होता है, क्योंकि यह देश 130 करोड़ का देश है और आज के समय में इस महामारी से उबरने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम और योजना बनाने की जरूरत है। क्योंकि याद करें आप, 12 फरवरी को ही देश के दूरदर्शी नेता राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि कोरोना वायरस को लेकर के बहुत जल्द इस पर निर्णय लेने की जरूरत है। 3 मार्च को भी उन्होंने रीट्वीट कर प्रधानमंत्री जी को और केंद्र की सरकार को आगाह किया था कि अगर आप गंभीरता से नहीं लेंगे तो इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। हम आज सरकार के साथ खड़े हैं, हम सरकार की आलोचना नहीं करना चाहते हैं, सरकार को सुझाव देना चाहते हैं। सुझाव में हमारा यही है कि आपको आर्थिक पैकेज उन गरीबों के लिए, क्योंकि यह बिलो पॉवर्टी लाइन का देश है जहां आज भी लोग गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं, अगर वो पूरे शॉटडाउन अगर किया जाएगा, लॉकडाउन किया जाएगा, तो आपको एक आर्थिक पैकेज की जरूरत करनी पड़ेगी, तभी आप उन गरीबों को राहत दे सकते हैं। और थाली बजाने से तो नहीं होगा। कांग्रेस ने राज्य की जनता से आह्वान किया कि आप 130 करोड़ के लोगों के हृदय में राष्ट्रगान का वो तरंग अगर चलेगा तो अद्भुत शक्ति मिलती है। राष्ट्रपिता के अनमोल भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये हम लोगों ने गा करके उन कोरोना सेनानियों, जो मेडिकल स्टाफ हैं, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, मीडिया हैं, रेलवे कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, ऐसे तमाम लोग जो अपने जान को जोखिम में डाल करके हमारी सेवा कर रहे हैं, उनके प्रति हमने आज अपनी कृतज्ञता प्रकट की है, देश ने कृतज्ञता दी। एक और निवेदन हम यहाँ की सरकार से और केंद्र की सरकार से करेंगे, बहुत हमारे स्टूडेंट कई विश्वविद्यालयों में फंसे हुए हैं, कई यहाँ के नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं, अभी मूवमेंट बंद है। ऐसी स्थिति में उन छात्रों को, उन छात्राओं को, यहाँ के रहने वाले नागरिकों के लिए एक विशेष तरीके से जो है उनके जान की परवाह करते हुए उनका इंतजाम करना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रह सकें और आगे भी जो है भविष्य में भी इस महामारी से बचने के लिए जो प्रकार की भी आवश्यकता होगी वो करना है। लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार जी को राज्य के लिए विशेष आर्थिक मदद की जरूरत है। यहाँ की भी जो राज्य सरकार है वो भी मुझे लगता है कि पूरी ईमानदारी और संजीदा से खड़े हैं, क्योंकि जब जब इस देश में इस प्रकार की महामारी या इस तरह की चुनौती हुई है, देश के लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ करके इस ऐसे मुसीबत का सामना किया है। इस महामारी को हराने में हम जरूर कामयाब होंगे और यह देश महफूज रहेगा, मैं इसी उम्मीद करता हूँ।